हाँ जी बच्चों, वेलकम टू शिक्षित। आई होप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही हो। ठीक है, तो चलो लेट्स कंटिन्यू विद आवर क्लास। हम कर रहे थे फेमस गुरुद्वाराज ऑफ पंजाब। ठीक है, तो हमने 5 गुरुद्वाराज पिछली क्लास में कवर करे थे, तो आज हम और 5 गुरुद्वाराज के बारे में जानेंगे। ठीक है राइट वे, चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। सबसे पहले जो आज का गुरुद्वारा है वो है हमारे पास गुरु का महल। ठीक है, तो ये जो हमारा गुरुद्वारा है ये अमृतसर में है, और जैसे कि हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, अमृतसर जो है हमारा वो जलंधर डिवीज़न में है। राइट, तो इस गुरुद्वारा की क्या सिग्निफिकेंस है? जो गुरु रामदास जी थे उनका ये घर था, उनका जो लाइफ लॉन्ग जो उनकी लाइफ थी पूरी, ठीक है, वो उन्होंने इसी गुरुद्वारा में निकाली थी। राइट, और ये जो गुरुद्वारा है ये 1573 में बना था। ठीक है, उस टाइम पे गुरु रामदास जी ने ये जो गुरुद्वारा है ये एज अ मॉडेस्ट हट बनाया था, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा जैसे रेजिडेंशियल हाउस होता है उस तरह से था। लेकिन उसके बाद इवेंचुअली गुरु अर्जन देव जी ने और गुरु हर गोविंद जी ने इसको ब्यूटीफाई और एनलार्ज कर दिया। राइट, और जो अमृतसर है वो हमारा जलंधर डिवीज़न में है। ठीक है, तो रामदास जी जब यहाँ पर थे तो उन्होंने सिटी की जो फाउंडेशन की थी, उस सिटी का नाम था रामदासपुर। ठीक है, जिसको आज हम अमृतसर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अमृतसर वी ऑल नो इट मीन्स की पूल ऑफ नेक्टर। तो ये इस गुरुद्वारा की सिग्निफिकेंस है, यहाँ पर ही इस रामदासपुर की फाउंडेशन रखी गई थी। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा गुरुद्वारा है वो गुरुद्वारा बाउली साहिब है। ठीक है, यहाँ पर गुरु अमरदास जी ने मांझी सिस्टम को इजाद किया था। ठीक है, मांझी सिस्टम में था, जो मांझीस थे वो दूर दूर जाकर अलग अलग कंट्री के पार्ट्स में जाकर जो सिखिज़म है उसको प्रोपोगेट करते थे, जो सिखिज़म के बारे में सबको नॉलेज प्रोवाइड करते थे। ठीक है, और गुरु जी ने, गुरु अमरदास जी ने इस जो ये जो गुरुद्वारा है इसको ब्लेस किया था कि जो भी इस गुरुद्वारे में 84 पार्ट्स करेगा, ठीक है, जपजी साहब के 84 पार्ट्स करेगा, वो जो साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ है उससे फ्री हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपको मोक्षा चाहिए तो 84 पार्ट्स आपको करने होंगे, और बाउली साहिब में डिप लेना होगा, भाग लेना होगा, और फिर आप सर्कल ऑफ बर्थ एंड डेथ से फ्री हो जाएंगे। ठीक है, गोइंडवाल साहब कहाँ पर है? गोइंडवाल साहब तरन तारण डिस्ट्रिक्ट में है, और तरन तारण डिस्ट्रिक्ट जो है वो हमारी जलंधर डिवीज़न में पड़ती है। ठीक है, इस गुरुद्वारे को एक्सेस ऑफ सिखिज़म भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो सिखी है हमारी, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा सिखिज़म, जो हमारा धर्म है, उसका फर्स्ट मेन सेंटर है, क्योंकि यहीं से जो सिखिज़म को है वो प्रोपोगेट किया गया था गुरु अमरदास जी के द्वारा, जो मांझी सिस्टम उन्होंने बनाया था। राइट, अगला जो हमारा गुरुद्वारा है ये तरन तारण साहिब है। तो तरन तारण साहिब जो गुरुद्वारा है वो गुरु अर्जन देव जी ने इस्टेब्लिश किया था, ये 5th गुरु थे सिखिज़म में। ठीक है, और तरन तारण साहिब का जो सबसे सिग्निफिकेंट पॉइंट है वो इसका सरोवर है, जो सबसे बड़ा सरोवर है ऑफ ऑल द गुरुद्वाराज इन इंडिया। ठीक है, ये सबसे बड़ा सरोवर है तरन तारण साहिब। तरन तारण साहिब कहाँ पे है? जलंधर डिवीज़न में है। चलिए अगला जो हमारा गुरुद्वारा है वो है गुरु की वडाली। ठीक है, वडाली इज़ बेसिकली वडाली एक विलेज था जहाँ पर गुरु गोबिंद हर गोबिंद साहिब जी का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 19 जून 1595 एट विलेज वडाली। वडाली जैसे मैंने अभी बताया एक गांव है। ठीक है, उसके ऊपर ही इसको, इस गुरुद्वारे का नाम गुरु की वडाली पड़ा। राइट, और ये है कहाँ पर? ये अमृतसर में है, जो जलंधर डिवीज़न में पड़ता है। चलिए अगला जो हमारा गुरुद्वारा है वो गुरुद्वारा रामसार है। तो सबसे पहले तो रामसार जो गुरुद्वारा है वो रामसार सरोवर में बना है। जो सरोवर है इस गुरुद्वारे के पास वो उसे रामसार सरोवर कहते हैं। राइट, जो रामसार सरोवर है वो हमारे जो 5 मेन सरोवर हैं अमृतसर में उसका एक पार्ट है, ये भी ये आएगा, ठीक है। और इस गुरुद्वारे के बारे में सबसे जो खास बात है वो है कि जो हमारी आदि ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, ठीक है, वो यहाँ पर कंपाइल की गई थी। किसने की थी? गुरु अर्जन देव जी ने की थी। कब की थी? 1903 में की थी। और इसको फिर 1604 में हरमंदिर साहिब में इंस्टेट कर दिया गया था। हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा में अमृतसर में ही है जो भी, तो उसको वहाँ पर इंस्टेट कर दिया गया था गुरु ग्रंथ साहिब जी को, राइट। और अमृतसर जैसे कि हम जानते हैं ये है जलंधर डिवीज़न में, ठीक है। और एक बात, जो सुखमणि है, ठीक है, वो भी गुरु अर्जन देव जी ने बनाई थी, ठीक है। ये साम ऑफ पीस कहते हैं हम जिसे, सुखमणि जी, तो वो भी यहाँ इसी गुरुद्वारा में कंपाइल की गई थी, राइट। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल।